सू सिएटल। गुड मॉर्निंग। यहाँ ना इस मौसम में कैंपिंग सेफ नहीं है, आप लोग ध्यान रखें, मत करें कैंपिंग। मैं दो स्लीपिंग बैग लेके सोया, लेकिन जो मेरे सांसों से जो धुआं निकला वहां भी बर्फ जम गई, टेंट के अंदर भी बर्फ जमी पड़ी है। ये देखो, तो अभी मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट करने का भी कोई सेंस नहीं है, धूप लगेगी फिर ही करेंगे। और इसकी सीट पे देखो, ये बाइक की सीट है, प्रॉपरली बर्फ जमी पड़ी है। यहाँ ये नदी चल रही है नीचे की तरफ, अभी ये रनिंग वाटर है इसलिए नहीं जमता है, लेकिन जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ पानी जम जाता है। ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके के डॉम्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और ये अपनी थार मॉर्निंग एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, अभी होती भी है या नहीं होती है। मुझे चांसेस अभी कम लग रहे हैं, एक क्रैंक तो मारने का मन कर रहा है। फर्स्ट में नहीं हुई, सेकंड ट्राई करते हैं। हो गई। इतनी ठंड को अपनी थार कुछ नहीं समझती है भाई, आराम से हो गई स्टार्ट, सेकंड क्रैंक में स्टार्ट हो गई है। टेंट में मैं सोया था वहां भी आप देख सकते हो, टेंट के अंदर जो मेरे सांस से जो धुआं जनरेट हुआ है उससे भी देखो बर्फ जम गई है, और स्लीपिंग बैग पे भी हर जगह बर्फ है। तो मेरा स्टे था जिस्पा में, काफी अच्छी प्रॉपर्टी थी। अभी हम निकल रहे हैं, आज हमारा प्लान है झंस्कार वैली तक पहुंचने का, एक ब्रदर अपने साथ है। ये कुछ दूर के लिए इनको लिफ्ट चाहिए थी, हमने चढ़ा लिया। और यहाँ अपना योलो कैंप्स करके है, यहाँ पे अपना स्टे था, कल रात थार में रहा था ऊपर रूफ टॉप टेंट ओपन करके। भाई जो सांस आ रहा था ना उसमें भी मतलब बर्फ जम गई थी यार, मामला बड़ा ही खतरनाक था। बस वही है कि यार मेरे को लग रहा है इस सीजन का ये मेरा लास्ट कैंप है, आगे कहीं करेंगे तो दिखाएंगे, वैसे इस ऐसी लोकेशन पे तो भाई पॉसिबल नहीं है अभी। और ये है जिस्पा, जब भी यहाँ से निकलता था तो बस ये देखता था कि यार ये तो रिवर साइड है, ठंडी होगी तो नहीं रहेंगे। ऐसे करते 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 इस बार हमारा प्लान बन गया रुकने का, क्योंकि मेरे को जाना था गोम्बो रंजन सिंकुलर टॉप भी, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ये रूट मेरे लिए प्रॉपरली फर्स्ट टाइम है, मैंने पहले नहीं किया है। लद्दाख वाले ट्रेल पे मैं कई बार जा चुका हूँ। ऐसी जगह है जहाँ से आप विदाउट नेटवर्क हो जाओगे, अभी आगे नेटवर्क नहीं आएगा, ना आएगा लद्दाख की तरफ ना आएगा शिंकुला की तरफ। एंट्री होगी भाई यहाँ पे, छोटी सी एंट्री होती है, उसके बाद निकलेंगे आगे। जो मेरे साथ लोग थे सबको हमने अलविदा बोल दिया है, और यहाँ से हम अभी जाएंगे शिंकुला। 38 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। पे ना लैंडस्लाइड पड़े हैं भर भर के बहुत ज्यादा, बाकी इस रूट पे यार गाड़ियों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। जो मिलिट्री मैन है ना वो लोग बोले ओनली 4x4 जाओ, क्योंकि आगे चल के ना बहुत ज्यादा गंदा रास्ता हो जाता है। ये शिंकुला टॉप तक तो चलो फिर भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आगे के साइड में कुछ ज्यादा ही दिक्कत है यार। हर हर महादेव बोल, हम तो निकल गए आगे, और यहाँ ना पूरे रास्ते में लैंडस्लाइड और ये सब होती रहती है, रॉक्स फॉलिंग वगैरह। बट हाइट होगी आज बहुत ज्यादा शिंकुला पे। कल रात जहाँ मैं रुका था वहाँ बहुत ज्यादा ठंडी थी, बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, तो उस ठंडी के चक्कर में क्या हो रहा है थोड़ा गला भी खराब हो रहा है मेरा, बिल्कुल खत्म है। रोडे देख सकते हैं आप, ब्रिज आया है अभी रास्ते में, और शायद एक आधे छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, बट मे भी अभी तो इस रूट पे यार कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी आगे हम अकेले हैं बिल्कुल, और मुझे लग रहा है आगे अकेले रहेंगे। और ये रोड भी थोड़ी सी दूर तक का ही है जो आप देख पा रहे हैं, इसके बाद में ये रोड भी नहीं मिलेगा हमें, मतलब बिल्कुल टूटी सड़कें आ जाएगी। तो आगे रिस्क कितना ले पाते हैं देखते हैं आगे चल के। एल्टीट्यूड भी हाई हो चुका है थोड़ा सा, मैं फील कर पा रहा हूँ। मैंने एक जगह रुक के गर्म पानी और थोड़ा सा चॉकलेट भी खाई है। रोड पे आप देख सकते हो किस तरीके से पत्थर पड़े हैं, बुरी तरह पत्थर पड़े हैं, और नीचे चल रही है एक नदी, नाम कंफर्म नहीं है, जगह ऐसी है, बीच बीच में टूटी सड़कें, बीच में थोड़ी ठीक है, ऊपर से देखो कितने स्लाइड हुए हैं, कितने सारे पत्थर नीचे आके गिरे हुए हैं, ये थोड़ा सा मामला खराब रहता है। इस बार हमने सारे टफ रस्ते कर डाले, वो भी अपनी थार से,
जब भी ना रस्ते में जो कैंप्स आ रहे हैं ना सारे, वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है दूर दूर तक। जब उतरेंगे बाहर तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे जैकेट डालनी पड़ेगी। और मैं क्या यार, गर्म कपड़े ज्यादा कैरी नहीं किए मैंने, तो मेरे को ये एक पजामा है जो हैवी है, वो ही बार बार पहन रहा हूँ। वैसे कुछ लोग करते हैं विंटर झंस्कार, बट विंटर झंस्कार इज नॉट इजी। बहुत ज्यादा स्नो रहती है इधर, बहुत ज्यादा। और यार ये जो नदियां आ रही है ना, इनके कॉर्नर्स तो जम ही गए हैं बर्फ से। देख पा रहे हैं एक छोटा सा कैंप आया है जहाँ पे, बस इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये पार्किंग है, यहाँ पे व्हीकल्स पार्क है। एक ब्रिज है आगे चल के, वो ब्रिज क्रॉस करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम ऊपर की तरफ टर्न लेना पड़ेगा। अभी व्हीकल मेरे को रास्ते में बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। एक सामने से गाड़ी आ रही है बस, वो मैंने देखी है कई देर बाद। ये जो पानी नीचे पड़ा ना, ये जमा हुआ है, इसमें बर्फ है। जो रिवर दिख रही है वो भी जमी पड़ी है, ऊपर से जहां से भी पानी आ रहा है। और ये स्लाइडिंग बहुत है भाई इस रोड पे। और रोड आप देखो दोनों तरफ ही किस तरीके की रोडे हैं ना, रोड पे कैसे पत्थर पड़े हैं, बिल्कुल सूखे पहाड़ है। आप देखो बिल्कुल सूखे पहाड़ है। ये जो भी आप नीचे देख रहे हो ना, फुल बर्फ ही बर्फ पड़ी है, जमी पड़ी है। आप देखो रोड पे किस तरीके से, इस पे बस आप ब्रेक मत दो, ब्रेक देते हैं तो यार टायर स्लिप करने का खतरा रहता है, ब्लैक आइस है ये। और इधर आप देखो पूरा पूरा पानी का पानी जमा पड़ा है, ब्लैक आइस में थोड़ा सा खतरा हो जाता है यार। और बीच बीच में ऐसे कच्चे रस्ते भी हैं और इंसान दूर दूर तक नहीं है। ये टेंट आया लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी कोई बंदा ही नहीं होगा, डेफिनेटली सब खाली हो चुके हैं। बड़ी देर बहुत सामने से एक गाड़ी दिखाई दी है और आसपास के आप पहाड़ों पे देख सकते हो बर्फ, नीचे नदियां जमी पड़ी है। ये रास्ता सच में ऐसे ना, मतलब हाई इतना है कि एक अलग ही डर सा लगता है। और ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कैंप खाली होके आ रहा है, क्योंकि अभी इससे वेदर में यहाँ पे कैंप नहीं लग सकते यार। जो लोग कैंप वैम्प करते हैं ना, वो लोग भी उठा के ले आते हैं, जो चाय वाय की दुकान होती है और वो सब। और देखो नीचे तक बर्फ है और अभी थोड़ी सी देर में शिंकुला आ जाएगा। और यार ये आ गई ब्लैक आइस आ गई है। और कोई टेंशन नहीं है, ये जो ब्लैक आइस आपको दिखती है ना, इनमें ना बड़ा दिक्कत हो जाता है यार ड्राइविंग में। थोड़ा एक टायर बाहर रखते हैं क्योंकि ब्लैक आइस में मामला फिसलने का रहता है। जितना गाड़ी को बचा सके बचाओ, पहले गियर में चलने दो खुद के टॉर्क से। और देखो कितना गंदा वाला ये है मामला, नीचे सीधी आइस पड़ी है। और ऐसी आइस में क्या रहता है, बैलेंस नहीं बनता गाड़ी का भी। दोनों चारों टायर हमारे ब्लैक आइस में है, बस ब्रेक ना दें और चलते रहें। ब्रेक देते हैं ना तो खतरा हो जाता है क्योंकि स्किड करती है गाड़ी फिर। और ये अभी आप आगे देख सकते हो बहुत गंदा मामला है यार, ये तो सीधी बर्फ ही पड़ी है यहाँ तो। और बस यही है, थोड़ा सा टफ हो जाता है ऐसे वेदर में। मेरे को ना कुछ चीजें की ना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे ये गाड़ी मेरे लिए फर्स्ट टाइम है 4x4। और क्या रहता है ब्लैक आइस का मुझे बिल्कुल भी ज्यादा ऐसे नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत जो वीडियो से देखा है बस वही नॉलेज है, एक्स्ट्रा कोई खास नॉलेज नहीं है। और इधर से धीरे धीरे करके हम जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ, ऊपर आ जाएगा शिंकुला टॉप, यहाँ से 8-9 किलोमीटर है। वहां तो अच्छी खासी ब्लैक आइस देखने को मिलेगी, सांस चढ़ रहा है। इधर हाइट है ना बहुत अच्छी खासी हाइट है तो सांस चढ़ रहा है। देखते हैं अगर नीचे जाने का बैठ गया ना तो ठीक है, नहीं बैठा तो हम शिंकुला से टर्न लेंगे यार। थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस कम है मेरा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ना ब्लैक आइस का एक्सपीरियंस नहीं है। और रास्ता पूरा जमा पड़ा है बर्फ से। शिंकुला पास यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। रोडे बीच में देखो नीचे कैसे धसी हुई पड़ी है। मॉन्स्टर पहुंचा है शिंकुला टॉप, 16,580 फीट एल्टीट्यूड, ऊपर इंडिया का फ्लैग और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। झंस्कार वैली हम नीचे चलते हैं झंस्कार की तरफ, वहां से फिर ऊपर चढ़ना भी काफी टफ रहेगा। और हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है और ये रास्ता काफी ज्यादा टफ बोलते हैं। और इस रास्ते पे हम जा रहे हैं यार, ड्रोन स्टेबल ही नहीं है यार, हवा बहुत तेज थी, ड्रोन की मोटर ही नहीं काम कर रही थी। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और इधर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और यहाँ की लाइटिंग बहुत ज्यादा तेज है, मेरे सनग्लासेस उतार ही नहीं सकता। चीजें जमी पड़ी है यहाँ पे पूरी तरह से जमी हुई है, तो हमें वो
आगे तक देखो किस तरीके से डस्ट जा रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से डस्ट हमें क्रॉस करके आगे जा रही है। ऊपर का कैमरे की हालत तो बहुत गंदी हो गई होगी यार, उसमें डस्ट चली जाएगी। मैंने ऊपर एक अपना इंस्टा 360 में माउंट कर रखा है, सांस चल रहा है यहाँ पे बहुत तगड़ा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दूर दूर तक कुछ भी ग्रीनरी नहीं है। देखिए गाइज किस तरीके का, कितना गंदा वाला ऑफ रोड है यहाँ पे। ऐसे रास्तों में आप चढ़ाओगे उतारोगे कैसे यार गाड़ी को, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अब वो कितना प्यार से चलना पड़ता है, और ये इतनी छोटी डस्ट है जो भाई कैमरे वैमरे के तो ऊपर वाले के अंदर ही घुस गई है, और बिल्कुल आराम आराम से उतरते हैं क्योंकि गाड़ी का ऑफ रोड हो रहा है, बहुत गंदे वाला ऑफ रोड हो रहा है ये। और ये आगे चल के का है ब्रिज, इसके नीचे से नदी निकल रही है और नदी में पूरी बर्फ है। ना कैमरे में लाइट कुछ ज्यादा आ रही है, और यार गोम्बो रंजन पता नहीं यार दिख ही नहीं रहा है यार, अभी तक तो दिखा नहीं। और ये आई आगे बड़े गंदे वाली ब्लैक आईज, बहुत गंदे वाली ब्लैक आईज आई है यार, बहुत गंदे वाली। और ये देखो कितना गंदा कट, सिंगल आदमी भी नहीं दिख रहा, एक आदमी भी दिख जाए तो पूछ लें भाई कहाँ है गोम्बो रंजन। ये आपका अपना दीप ढाल पहुंचा है अभी गोम्बो रंजन झंस्कार वैली में, पेश है गोम्बो रंजन। ये अपनी थार पहुंची है गोम्बो रंजन। हम है अभी झंस्कार वैली में, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नजारा है। ये है स्नो माउंटेन, और इधर ही आगे चल के आया था सिंकुला टॉप, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ थी, हवा बहुत ज्यादा ठंडी चल रही है और हर जगह बर्फ जमी हुई है, हर जगह बर्फ जमी हुई है। यहाँ से भी कभी पानी बहता हुआ होगा, और ये देख सकते हो आप यहाँ से आगे नदी है और यहाँ पे हर तरफ बर्फ जमी हुई है। तो इस पवित्र पहाड़ के दर्शन हो चुके हैं, गर्म पानी पीते हैं, एक चॉकलेट खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, जल्दी से थार में बैठते हैं, ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, और चलते हैं वापस मनाली की तरफ। बहुत ही ज्यादा ठंडी है इधर, चलते हैं अभी। अपनी गाड़ी है और ये है गोम्बो रंजन, जहाँ से होते हुए हम वापस शिंकुला टॉप की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ब्लैक आइस पड़ी है भाई, ब्लैक आइस पड़ी है, बड़ा प्यार से चलना पड़ेगा, और गाड़ी को खुद के टॉर्क से खींचने देते हैं। ये देखो किस तरीके से ब्लैक आइस पड़ी है, और गाड़ी को खुद से चलने देते हैं गाड़ी के टॉर्क से। यहाँ पे ये बर्फ मेल्ट होगी ना, तो आप देखना यहाँ से नदियां ही बहने लग जाएगी इसके ऊपर से, और इतनी बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग हो जाएगी ना कि रास्ता क्रॉस कर पाना बहुत टफ हो जाता है, गाड़ी चढ़ानी बहुत टफ हो जाती है, यहाँ से करनी तो पड़ेगी, अभी कोशिश क्या ही कर सकते हैं। और ये देखो हल्की मिट्टी है, ये क्रॉस करके आगे तक चली जाती है, और चढ़ाई यहाँ पे थोड़ी सी टफ है करना। उसके बाद में शिंकुला टॉप आने के बाद में कुल मिला के थोड़ी रोड टंकी आ जाएगी, और ये जो कच्चा रास्ता है ये थोड़ा कम हो जाएगा। लग रही है यार स्वर्ग से कम नहीं है ये जगह, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, और ये बीच है मक्खन रोड।
क्या गजब लग रही है। पीछे के साइड में सारे स्नो माउंटेन्स और नीचे भी स्नो और इन कॉर्नर पे भी स्नो और नीचे खाई में भी भाई भर भर के स्नो। पुरानी हो गई है स्नो, देखो पुरानी है। बाकी रास्ता देखो कितना गजब, और अपनी थार क्या लग रही है भाई। अभी हम आ गए हैं नीचे की तरफ। अभी मान लो कि दारचा बस पहुंचने वाले हैं, दारचा चेक पोस्ट आ गई है। दारचा का ब्रिज जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है हिमाचल का, तो ये देखिए अपने पहुंच गए वापस से जिस्पा। लेकिन आज मनाली या मनाली से आगे पहुंचेंगे। केलोंग पहुंच गया हूं मैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद में तांडी आएगा, तांडी से शिशु, शिशु से अटल। अरे यार मैं प्रॉपर साइड में था एंड सामने वाले बंदे ने इतना क्लोज लेके आया ना भाई, बाल बाल बच गए आज तो। यार बहुत ही क्लोज था वो बंदा, बहुत क्लोज था। मैंने अपना जितना लेफ्ट हो सकता था मैंने दबा लिया एंड आई डोंट नो कि कैसे मतलब बाल बाल बचे हैं यार। बहुत रिस्की था ये मामला। ये मेरी साइड है व्हाइट पट्टी में, ठीक है। कॉर्नर भी मैं इतना ही काट के साइड देता हूँ अगले को, तो वो बंदा तो मेरी साइड ही आ गया। सौरा टोटली मेरी साइड आ गया, पता नहीं क्या सोच के आया। यार लोग ना बढ़िया नहीं चलाते हैं, तो आज ऑन द कैमरा था मामला। कई बार क्या ऑफ द कैमरा होता है तो पता ही नहीं चलता है। तो ये है तांडी। मैं अटल टनल पहुंचने वाला हूँ। अटल टनल आ गई है।